ज्ञान गंगा भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकल रही है ये ज्ञान गंगा। शनि देव की शनि पीठ में बह रही है ये ज्ञान गंगा। गुरु रजनीश ऋषि के आशीर्वाद से निकल रही ज्ञान गंगा। आप सभी के दुख दर्द दरिद्रता मिटाएगी ये ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। परम पिता परमात्मा और इस ब्रह्मांड में ब्रह्मनाद यानी ओंकार एक अक्षर वाला वह मंत्र है जिसके द्वारा हम उसके उच्चारण करने मात्र से ही पूरे ब्रह्मांड में कंपन पैदा करते हैं, यानी हम उस पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं। आइए आप सभी मेरे साथ इस एकाक्षरी मंत्र का जाप करें। इस एकाक्षरी मंत्र को उच्चारित करें। ओम उच्चारण करते से ध्यान रखिए आपकी सांस पेट से निकलती हुई छाती से होती हुई गर्दन को पार करती हुई आपके दोनों आंखों के बीच में स्थित हो जाती है। हर ओम के उच्चारण के साथ आपने उस ओम की जो समाप्ति करनी है, इस ब्रह्मनाद की जो समाप्ति करनी है, वो दोनों आंखों के बीच के स्थान पर जाकर छोड़ना है। आइए उन्हें शुरू करें।
आप स्पष्ट रूप से महसूस कीजिए कि एक ओम से दूसरे ओम के बीच में जब हम जाते हैं, एक ओम की समाप्ति के बाद आप एक गहरी सांस लेते हैं और जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि आपके पेट के निचले हिस्से से शुरू होती है और धीमे धीमे उठते हुए छाती से होते हुए गले के पार जाते हुए मुंह से गुजरते हुए दोनों आंखों के बीच में स्थित होते हुए समाप्त होती है। मन की इस स्थिति से आपके सभी प्रकार के तनाव धीमे धीमे समाप्त होने लगते हैं। हर गुनगुनाहट के साथ आपका तनाव कम होता जाता है। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। आप सभी लोगों को नवग्रह की सत्ता के बारे में बताने के लिए, भगवान विष्णु अपने वैकुंठ लोक में मां महालक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। भोले भंडारी कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान है। ब्रह्म देवता मां गायत्री मां सरस्वती के साथ ब्रह्म लोक में विराजमान है और इन्होंने हम सबके कर्मों का लेखा जोखा रखने के लिए, हम जो भी पाप करते हैं, जो भी पुण्य करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए नवग्रह देवताओं को यानी सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु नामक नवग्रह देवताओं को हमारे पीछे लगाया हुआ है। बुरे कर्म करेंगे तो उनके दंड से कोई नहीं बचा सकता, अच्छे कर्म करेंगे तो उसके फल को कोई रोक ही नहीं सकता। बड़ा सीधा सा स्पष्ट वो है, भगवान के यहां ना तो देर है ना अंधेर है, लेकिन जब पाप का घड़ा भरेगा तभी तो छलकेगा या पुण्य का घड़ा भरेगा तभी तो छलकेगा। बस यही तो हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, इसीलिए हम इंसान हैं, देवता हम बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम परमपिता परमात्मा की साधना करके, मैंने एक एक शब्द परमपिता परमात्मा को कैसे प्रसन्न किया जाए इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष बताया लिखा हुआ। और ये पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट शनि पीठ मंदिर नई दिल्ली पटेल नगर से आप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें हर नवग्रह देवता की, विष्णु जी की, लक्ष्मी जी की, गणपति बप्पा की, हनुमान बाबा की, भोले बाबा की, मां जगदम्बा की साधना, जो स्वयं मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं और आज जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर मैंने आप सभी लोगों के लिए, मेरे पास जो कुछ भी मैंने इस सृष्टि से गेन किया है, जो भी दिव्य अनुभूति मेरे को हुई है, उस दिव्य अनुभूति को शब्दों के माध्यम से इस पुस्तक में उकेर कर मैंने आपके लिए तैयार किया है। यह पुस्तक आप सभी लोगों के लिए शनि पीठ मंदिर नई दिल्ली पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, किंतु इसके साथ ही जो व्यक्ति साधना करने में असमर्थ हैं, उन सभी व्यक्तियों के लिए मैंने स्वयं मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करके नवग्रह देवताओं की उपरतन की अंगूठी तैयार की है। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की, विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है, इस रतन की अंगूठी को स्वयं मैंने अपने हाथों से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत किया है। उन गरीब लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने में असमर्थ हैं, बहुत छोटा सा खर्चा करके वो अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं भी बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी उनकी इच्छाएं हैं, उन सभी लोगों के लिए ये चमत्कारी नवग्रह की अंगूठी बहुत लाभ देने वाली है। तो जो भी व्यक्ति
इस नवग्रह की अंगूठी को घर बैठे प्राप्त करना चाहता है। इस मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की गई अंगूठी को जो मेरे स्वयं के हाथों से मंत्र सिद्ध है, प्राण प्रतिष्ठित है, जागृत है, उसको घर बैठे प्राप्त करना चाहता है। तो उस अंगूठी को घर बैठे प्राप्त करने के लिए जिसके साथ प्रभु साधना की ये अद्भुत पुस्तक फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाई जाती है, वह पुस्तक और साथ में इस दिव्य अंगूठी को घर बैठे प्राप्त करने के लिए बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमारी मोबाइल ऐप एस्ट्रोलॉजी बाय गुरुजी जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो में भी दिया हुआ है, इस मोबाइल ऐप पर जाकर आप डायरेक्टली इस रतन की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की अंगूठी का ऑर्डर देकर इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो देर मत करिए, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर अभी कॉल करें और घर बैठे नवग्रह देवताओं के मंत्रों से मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की गई इस दिव्य अंगूठी को बहुत छोटी सी कीमत में प्राप्त करके लाभ उठा सकते हैं, अपने जीवन में धीमे धीमे करके परिवर्तन ला सकते हैं और खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस चमत्कारी अंगूठी बहुत कम कीमत में, जिस पर 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा और जागृति और मंत्र सिद्धि की जाती है, वो अंगूठी बहुत कम कीमत पर आप लोगों की सुविधा के लिए हमारे यहाँ से उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बिना किसी झिझक के कॉल कर सकते हैं या हमारी मोबाइल ऐप पर जाकर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। जय शनिदेव। मेरा नाम सोनमजीत कौर है, हम शंकर व्यास से आए हैं और हम 7-8 महीने पहले आए थे यहाँ पे। हमारे को आकर बहुत अच्छा लगा। हमारा थोड़ा पारिवारिक थोड़ी दिक्कत थी, काम में थोड़ी अड़चन आ रही थी। हमने गुरु माँ को बताया, उन्होंने हमारे को उपाय बताया, हमने किया और रिपुष रिंग एक पहनने के लिए दिया। तब जब से पहना है तब से हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब कि इनका आशीर्वाद है हमारे सिर पे। हमारा काम भी चल रहा है अभी बहुत, और भी बहुत जो हमारी दिक्कत थी पूरी अच्छे से परिवार में रहने लगे हैं हम। बहुत आशीर्वाद है इनका। पहले तो हम इधर उधर बहुत घूम रहे थे लेकिन हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत घुमाया लोगों ने। लेकिन अभी मैं तो लोगों को यही कहूंगी, प्लीज आप गुरु माँ के दरबार में आए, इनका आशीर्वाद ले, इनसे मिले, आपको बहुत सुकून मिले। मैं राकेश रंजन मिश्रा पालम दिल्ली से हूँ। गुरु जी के साथ पिछले 1 साल से जुड़ा हूँ मैं। तो गुरु जी ने कुछ उपाय बताए थे, मुझे 5 रिंग दिए थे गुरु जी ने, एक पुखराज दिया था गुरु जी ने, एक मोती और मूंगा और ये अपना गुमेद। तो इससे जैसे जैसे गुरु जी ने बताया तो मेरे काफ़ी काम सफल हुए। मतलब मुसीबत जो पहाड़ों से भी बड़ी थी वो राई के समान, मतलब मुसीबत तो आएगी लेकिन वो पता भी नहीं चलेगा और निकल जाएगा और सारे काम बनते जाएंगे। तो मुझे बहुत सारे फायदे हुए और मेरे लाखों का जो नुकसान था वो थोड़े से में ही उसका समाधान हो गया। मेरी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है और मैं गुरु जी के साथ और गुरु माँ के साथ सदैव जुड़ा रहूं और मेरे काम बनते रहें। शनि देव का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा बना रहे और गुरु जी और गुरु माँ का, ये सारा काम मेरा बनते जा रहा है। जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो एक बार गुरु जी और गुरु माँ को मेरा निवेदन कि एक बार प्लीज़ आजमा कर देखें। मतलब रंक से राजा बोलते हैं तो वो धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं लेकिन विश्वास के साथ चलेंगे तो सारा काम बनता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।